आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पंचमुखी हनुमान जी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। लंका में जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद की मृत्यु के समय रावण बहुत दुखी हुआ। रावण को दुखी देखकर उसकी माँ केकसी ने उसके पाताल में बसे हुए दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। अहिरावण तथा महिरावण तंत्र मंत्र के महाज्ञानी, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि वह अपने छल बल तथा कौशल से राम तथा लक्ष्मण का सफाया कर दें। जब यह बात विभीषण को पता चली तो वह चिंतित हो गए। विभीषण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी और साथ ही वह भी उनकी निगरानी करने लगे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा खींच दिया ताकि कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या कोई मायावी राक्षस उसके भीतर ना घुस सके। अहिरावण तथा महिरावण दोनों श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंचे, परंतु सुरक्षा घेरे के कारण वह कुटिया के अंदर ना जा सके। ऐसे में महिरावण विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में घुस गया। श्री राम और लक्ष्मण गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के श्री राम और लक्ष्मण को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद ही विभीषण को आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। फिर उसने कुटिया में जाकर देखा तो वहां पर श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं थे। उसे दोनों भाइयों की चिंता सताने लगी। तब विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसका पीछा करें। लंका में अपने वास्तविक रूप में घूमना उचित ना समझकर हनुमान जी ने पक्षी का रूप धारण किया और निकुंभला नगर में पहुंच गए। वहां पर हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते हुए सुना। कबूतर कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण दोनों राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे, बस फिर तो युद्ध खत्म हो जाएगा। कबूतरों की बात सुनकर बजरंग बलि को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते हुए उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी हवा की गति से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत ही पाताल लोक पहुंच गए। हनुमान जी को प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला जिसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। उसने कहा, मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे टिक ना पाया। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से वह नहीं रुक सके। हनुमान जी ने उसे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? तब उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए। तब मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी आग बुझाने के लिए पहुंचे थे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला हुआ था और हनुमान जी का तेज मेरी माता के मुख में चला गया और वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी
तो उन्होंने मकरध्वज को बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और वहां आने का कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को कहा कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, बेहतर होगा यदि आप रूप बदलकर कामाक्षी देवी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। हनुमान जी ने मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। वहाँ जाकर उन्होंने माँ कामाक्षी को नमस्कार किया और सफलता की कामना की। उन्होंने कामाक्षी देवी से पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने कहा, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त होने के साथ साथ अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप पूरी निष्ठा के साथ प्रयत्न करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस मंदिर में अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। तब माँ कामाक्षी ने कहा, यह दीपक अहिरावण मेरी प्रसन्नता के लिए जलाता है। जिस दिन यह दीपक एक साथ बुझेंगे, उस दिन अहिरावण का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई दिया। राक्षस बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धारण करके अहिरावण और महिरावण से कहा, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोखे से करो। उनके कहे अनुसार झरोखे से पूजा शुरू हो गई और ढेर सारा चढ़ावा झरोखे से चढ़ाया गया। अंत में बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी झरोखे से डाल दिया गया। वह दोनों बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत ही श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहि और मही दोनों भाइयों की बलि देकर माता की इच्छा पूरी करना बाकी था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का ख्याल रखे और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध करे। पर यह युद्ध आसान नहीं था। अहि और मही बड़ी मुश्किल से मर रहे थे, परंतु फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो रहे थे। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी एक नाग कन्या है, वह उसे बलपूर्वक ले आया है। वह अहिरावण के राज अवश्य जानती होगी, आप उसके पास जाएं और उससे सहायता मांगें। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास गए। उन्होंने उस नाग कन्या से कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चुंगल से मुक्त कर देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं विष्णु भगवान की भक्त हूँ। अहिरावण ने मुझे अपहरण करके यहाँ कैद किया हुआ है, लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी होगी। हनुमान जी ने चित्रसेना से पूछा, आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। तब चित्रसेना बोली, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। अगर आप मेरा विवाह श्री राम से करवाने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए, श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं, वह अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त करवाने के लिए ही तो युद्ध कर रहे हैं, वह किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं यह वचन कैसे दे सकता हूँ? असमंजस की स्थिति में
बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहेगा। यदि वह टूटा तो इसे अपशकुन मानकर मैं वचन से पीछे हट जाऊंगा। तब चित्रसेना ने सोचा, उस महाकाय अहिरावण के बैठने से तो पलंग नहीं टूटता, तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर वह तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने एक मायावी भ्रामरी को पकड़ लिया था। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहि और मही दोनों भाइयों को दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर वहां आ गया और अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास होता है तब यह भंवरे उनके मुंह में एक बूंद अमृत की डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ही यह दोनों राक्षस मर कर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उनके उतने ही नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर वापस आ गए। तब तक मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था। हनुमान जी ने भंवरों को खत्म करना शुरू किया। आखिर वह सब हनुमान जी के सामने कब तक टिकते। जब सारे भंवरे खत्म हो गए और केवल एक ही बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने उस भंवरे को क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ, पर तुम यहाँ से तुरंत ही अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला बना दो। वह भंवरा तत्काल ही चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहि और मही को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत हैरानी हुई, परंतु फिर भी उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भंवरों को तो हनुमान जी ने समाप्त कर ही दिया था, फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहि और मही का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल ही पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ ही पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए और दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां पहुंच गई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की मदद लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था।
यह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपा करके इसके साथ विवाह कर लें और अपने साथ ले चलें। इससे इसे मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कहा, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको कैसे बचा पाते? कृपा निधान, इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य कर रहे थे कि इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कुछ कहते कि तभी हनुमान जी ने श्री राम की बाजू पकड़ ली और उन्हें चित्रसेना के सजे धजे पलंग पर बिठा दिया। जैसे ही श्री राम उस पलंग पर बैठे, तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई और पलंग धराशायी हो गया। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। अब तुम आजाद हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हो गया और वह पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। परंतु क्रोधित चित्रसेना तो श्री राम से विवाह की जिद को पकड़े हुए थी। तब श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लूंगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। यह सुनकर वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। उसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर लंका वापस लौट आए। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान जी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यदि आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।